गारू रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर भरत भूषण भगत ने कोरोना महामारी को दर्शाते हुए एक साथ 15 स्वास्थ्य कर्मचारियों को तबादले करने पर चर्चाओं में घिरे हुए हैं। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने तबादले ऐसे कर रहे हैं जैसे सुबह शाम घर के खाने का मेन्यू बदलता रहता है। शाम को तबादला होता, सुबह दूसरे दिन उसमें संशोधन आदेश आ जाता है। जब तक ग्रामीणों को जानकारी लगती, अगले दिन संशोधित लिस्ट फौरन आ जाती है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि स्वास्थ्य विभाग में स्थानांतरण की बाढ़ अचानक कैसे आ गई। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के इस तबादले प्रक्रिया में जिला स्तर के पदाधिकारी को सूचना तक नहीं है। तबादले करो, फिर संशोधन कर दो, फिर निरस्त कर देने का जो खेल चल रहा है, इसमें जिले के पदाधिकारी भी चुप्पी साधे हुए हैं। इससे सरकार की छवि पर भी खराब असर पड़ने लगा है। पहले 3 वर्ष से अधिक जमे स्वास्थ्य कर्मियों के तबादले करने की बात की जा रही थी, लेकिन सूची में फेरबदल से साफ झलक रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में भी तबादले को लेकर जबरदस्त उगाही की जा रही है। ज्ञात हो कि कोरोना काल में गारू रेफर अस्पताल परिसर में 50 पेटी दवाइयां चलाने की खबर सुर्खियों में रही थी। तत्कालीन उपायुक्त जिसान कमर एवं तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर शिवपूजन शर्मा के तबादले होने के बाद जांच प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चले गए हैं, जिससे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का मनोबल और बढ़ गया है। इन स्वास्थ्य कर्मियों को किया गया तबादला। एमपीडब्ल्यू एजकल तिग्गा को गारू से सरयू, एमपीडब्ल्यू अनिल एक्का को मायापुर से गारू, एएनएम दुर्गावती को बाड़ेसाट से गारू, एएनएम इग्नेशिया खलको को गारू से सरयू, एमपीडब्ल्यू राजेंद्र कुमार वर्मा को रूत से गारू रेफरल अस्पताल, एमपीडब्ल्यू प्रसाद उरांव को बाड़ेसाट से सरयू, एमपीडब्ल्यू सुरेंद्र सिंह को गारू से मायापुर, एएनएम सरिता कुजूर को गारू से बाड़ेसाट, एमपीडब्ल्यू बाबूधन मुर्मू को गारू से कबरी, एमपीडब्ल्यू आशीष कुमार को सरयू से गारू, एएनएम सुशीला खलको को सरयू से बाड़ेसाट, ब्रेजर मानिक चंद को गारू से सरयू, एलटी दीपक कुमार को रूद से गारू, सीएचओ सरिता नगेसिया को सरयू से रेफरल हॉस्पिटल गारू व ड्रेसर संदीप उरांव को सरयू से गारू कर दिया गया है।